कलरफुल रहने वाला है, बहुत ज़्यादा कलरफुल नहीं, बट हाँ जो स्प्रिंग के अकॉर्डिंग हम लोग कलर्स चूज़ करेंगे। और सबसे पहले अपना स्किन केयर कर चुकी हूँ मैं, सनस्क्रीन भी लगा चुकी हूँ, उसके बाद आई एम स्टार्टिंग विद अ फेस प्राइमर। तो मैंने यहाँ पे ये कलर बार का फेस प्राइमर लिया है, एक्चुअली सिलिकॉन बेस्ड फेस प्राइमर है, तो बस हेल्प करेगा कि जो भी मेरे ओपन पोर्स हैं उसको ब्लर आउट कर दे और एक अच्छा सा स्मूथ फिनिश प्रोवाइड करे हमारे बेस के लिए। तो यहाँ पे जो मैं अभी जो यूज़ कर रही हूँ ये है मेबलिन का ड्यूई प्राइमर और ये क्रीम बेस्ड प्राइमर है, तो इससे जो हमारा जो बेस है ना वो एक्चुअली ग्लोसी फिनिश देने में ये हेल्प करता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे दो प्राइमर्स यूज़ किए हैं। सो यू कैन फॉलो दिस स्टेप, अगर आपको अपना बेस ब्लर आउट चाहिए और उसके ऊपर आपको ड्यूई फिनिश चाहिए तो देन यू कैन फॉलो दीज टू स्टेप्स। उसके बाद आई एम यूजिंग दिस NYB की स्ट्रॉब क्रीम। सो गाइस दिस इज़ अ डिटो ड्यूप ऑफ मैक की स्ट्रॉब क्रीम, बहुत ही एक ड्यूई सी फिनिश प्रोवाइड करती है और सेम फिनिश प्रोवाइड करती है स्ट्रॉब क्रीम। इसके बाद यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ स्मैश बॉक्स की हेलो टिंटेड मॉइस्चराइजर। तो एक्चुअली हम अपना बेस जो है वो ग्लोई रखने वाले हैं, इसलिए मैं सारे ड्यूई प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे ये स्मैश बॉक्स का जो हेलो टिंटेड मॉइस्चराइजर भी काफ़ी अच्छा ग्लो देता है और जो हमारे छोटे मोटे फ्लोज हैं उसको भी हाइड करता है। इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 21 का कंसीलर, और यहाँ पे मैंने दो कंसीलर्स यूज़ किए हैं, जो फॉरएवर 21 का था दैट इज़ लाइक कम्प्लीटली मैच टू माय स्किन, और जो ये यहाँ पे स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर यूज़ किया है ये थोड़ा हाइलाइटिंग कंसीलर है। और यहाँ पे दोनों कंसीलर्स को मैंने इस तरह से लगाया है ताकि मुझे दो कंसीलर्स एक के ऊपर एक लेयर ना करना पड़े, दोनों के डॉट्स एक के बीच में लगा दिया है, तो इससे मुझे मेरे डार्क सर्कल्स की कवरेज और हाइलाइटिंग इफेक्ट दोनों एक साथ मिल गया, मुझे दो लेयर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो दिस वाज अ ट्रिक। उसके बाद आई एम यूजिंग दिस मेबलिन का लूज पाउडर जस्ट टू सेट माय कंप्लीट फेस। तो इसके बाद मैं अपनी अंडर आइज जो करने वाली हूँ सेट, वो विद दिस लाइक पिज़्ज़ा पफ आई एम जस्ट सेटिंग इट, बिकॉज इससे काफ़ी अच्छी सी फिनिश आती है और कोई भी क्रीज भी नहीं रहती है। सो या उसके बाद आई एम यूजिंग दिस ब्लश, सो इट्स अ पाउडर ब्लश, तो सबसे पहले मैं पाउडर ब्लश लगाऊंगी और इसको भी अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, एंड देन आई विल जस्ट अप्लाई इट ऑन लाइक माय नोज़ और माय चिन और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। उसके बाद आई एम यूजिंग दिस हूला का ब्रॉन्जर, तो इसको मैं बेनिफिट का ब्रॉन्जर है ये, इसको अच्छे से मैं अपनी चिन की साइड पे अच्छे से इसको अप्लाई कर लूँगी, ब्लेंड कर लूँगी ताकि हमें एक चीज़ जल्दी सी लुक मिल जाए। उसके बाद से आई एम जस्ट यूजिंग ऑन माई फेस, तो ऑन बोथ साइड ऑफ माई फेस आई एम अप्लाइंग दिस ब्रॉन्जर और इसको भी अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। एक्चुअली ये बहुत अच्छी सन किस्ट सी लुक प्रोवाइड करता है, ओवर भी नहीं है और काफ़ी अच्छा सा एक आपको मतलब आपके फेस को एक स्ट्रक्चर मिल जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रॉन्जर। आई एम जस्ट कंट्रोलिंग माई नोज ऑल्सो, सो यू कैन सी लाइक हाउ आई एम जस्ट कंट्रोलिंग इट। सो नाउ देर इज़ अ ट्रिक, एक्चुअली आई हैव जस्ट अप्लाइड पाउडर ब्लश, उसके ऊपर आई एम यूजिंग दिस क्रीम ब्लश नाउ। सो अप्लाइंग दिस क्रीम ब्लश ये हमें दो तरीके से हेल्प करेगा, एक्चुअली ये तो हमारे ब्लश को लॉन्ग स्टे बनाएगा, स्टेइंग पावर काफ़ी अच्छी हो जाती है इसे लगाने के बाद, और दूसरा ये हमको एक ग्लॉसी फिनिश देगा। सो लाइक इफ़ वी वॉन्ट दैट ड्यूई फिनिश, लाइक स्प्रिंग सीजन में काफ़ी अच्छा लगता है थोड़ा ड्यूई ड्यूई ग्लोई ग्लोई सा, तो इसीलिए हमने ये ब्लश यूज़ किया। उसके बाद आई एम यूजिंग दिस आईब्रो सेटिंग जेल, दिस इज़ फ्रॉम एल्फ और ये भी बहुत ही अच्छी आईब्रो सेटिंग जेल है। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन माई टू ब्राउज राइट, सो जो राइट साइड की है वो काफ़ी अपलिफ्टिंग सी है और उसे कितना अच्छा फेस लग रहा है। सो येस आई हैव कम्प्लीटेड माई बोथ ब्राउज। उसके बाद वी आर मूविंग टू आर आईज, सो फॉर आईज आई विल जस्ट गो फॉर दैट ब्रॉन्जी लुक। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑरेंज और एक थोड़ा सा ब्रॉन्जी कलर यहाँ पे लिया है और उसी को मैंने अपनी लिड पे अप्लाई किया है। ऑन द आउटर कॉर्नर्स मैंने ब्रॉन्जी लुक रखी है और अंदर की साइड में थोड़ा सा शैम्पेन लुक रखूंगी, इसके लिए मैंने ये यहाँ पे यूज़ किया है ये स्विस ब्यूटी का, ये है स्विस ब्यूटी का लिक्विड आई शेडो इन द शैम्पेन शेड, बहुत ही अच्छे से एकदम लुक देता है ये आपकी आईज़ को ना गाइज।
वी आर क्रिएटिंग अ स्प्रिंग लुक, तो आई थॉट कि वी शुड गो फॉर दैट पीची ऑरेंजी लुक।